फिरोजपुर की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में नजर आ रही है। सत श्री अकाल जी, तुसी बने हुए हो रोजाना टाइम्स के नाल। मैं तरनदीप सिंह, इस वक्त की खबर फिरोजपुर तो सामने आ रही है, जिथे फिरोजपुर की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में नज़र आ रही है। दरअसल एक दुकानदार के गुंडागर्दी के इल्ज़ाम लगे ने, जिथे लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई है। ये मामला फिरोजपुर के पिंड बारके का है, जिथे एक दुकान के अंदर गुंडे आया तो उन्होंने उन्हों की कुटमार की, जिस तस्वीर उत्थे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो ये मामला पुलिस को पहुंचे तो पुलिस इस मामले तो भजदी नज़र आई। मेरी एक शॉप है बारे के, जिससे मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भांजा, ये रल के काम करते थे। कुछ दिन बाद मेरे भाई की डेथ हो गई है, तो उसके बाद ही उसकी पत्नी ने दुकान की चाबी मांगनी शुरू की है। मैंने कहा चाबी तो मैं कैसे दूँ, दुकान मेरी है, मेरे नाम है, सब कुछ मेरे नाम है। वो फिर भी नहीं मानी। हम आगे घर को अपने, वो दूसरे दिन अपने गुंडे लेकर वहाँ पर पहुँच गई परिवार के साथ। मनोज था, चिक्की था, एक वो अपना मानक भंडारी था, कुछ और चार पांच लड़के थे, उनको लेके पूछ के धक्का मुक्की करी। उसके तो दुकान की बात की जाए तो दुकान के डॉक्यूमेंट्स किसके नाम है? डॉक्यूमेंट मेरे नाम है, डॉक्यूमेंट मेरे नाम है। उसके बाद जब वो पुलिस वाले आए, उनको ले गए, सबको, हमको भी ले गए, तो बोला भी तुम एतवार को शाम को हम तुमको कॉल करके बुलाएंगे, पर उन्होंने कोई कॉल नहीं की, नहीं बुलाया हमको। 6 बजे एतवार को शाम को फिर वो गुंडे गए हैं, ताले तोड़ने लगे हैं, ताले तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करी पर ताले नहीं टूटे। मेरा लड़का वहाँ पहुँच गया, उसने पूछा कि ताले क्यों तोड़ रहे हो, तो उसको मारकूट करी। उसको मारते हुए चौंकी लेकर गए हैं, हमें पता लगा, हम भी पीछे पीछे गए हैं उसके। जब वहाँ पर गए हैं तो वहाँ चौंकी में भी उसको थप्पड़ वगैरह मारे गए हैं। हमने पूछा भी ये चौंकी में क्या काम हो रहा है, कह रहे चुप करके साइड में हो जाओ, नहीं तो आपको भी पुलिस के ऊपर हाथ छोड़ने का इल्ज़ाम है, तुम्हारे पर्चा दर्ज कर देंगे। हमें 5 जनों को अंदर कर दिया उन्होंने। उसके बाद जो आपके पास कोई वीडियो भी है? वीडियो है हमारे कहने, हमारे के 14 की भी है, 16 की वीडियो है, कापे वाली भी वीडियो हमारे पास। पर इसके पास उसके बाद सीनियर अधिकारी के पास गए थे? हम 2-3 जगह गए हैं, हम SSP साहब के गए हैं, SHO साहब के भी गए हैं, और ऑनलाइन भी हमने रिपोर्टें दी हैं, पर अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्या मामले? हम कहते हैं हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, जो गुंडे दबते हैं उनके ऊपर पर्चा होना चाहिए। आपका नाम क्या? दशरथ। हुई है की तुहाड़े को वीडियो हैगी है, की होया है? मेरा नाम रमेश है, सनम श्री हरि किशन। ये दुकान चाचा जी दशरथ जी के नाते है, तो इन्हें मतलब ये इन्होंने इन्हें एक मुंडा, इन्हों का भांजा, तो मेरे चाचा जी जिन्हें मृत जे मर चुके ने, वो सारे दुकान संभाल रहे थे। तो मेरी चाची जी ने उनके जबरदस्ती कब्जा करने लिए मनोज कुमार, चिक्की, तो मानक भंडारी, तो 3-4 अनपछाते बंदे भी सगे, तो चाची जी के जो पेकियां है फैमिली मैंबर, वो भी आके उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, ताले तोड़े ने उत्थे जाके। तो मेरा कज़न जिहड़ा होस्पिटल से एडमिट है, उन्होंने कुटिया, तो हम धमकियां दे रहे हैं कि अगे जो तुम होर किया तो तुम हो जानों मार सकते हैं। असं तो ये वारदात हुई क्योंकि कदों हुई है, तो जी वीडियो भी थोड़े को सामने आई है। ये वारदात 14 अक्टूबर नू हुई सी, जदों दुकान खुली हुई सी, इन्होंने कुछ मतलब गुंडे नाल मिल के दुकान ते कब्जा करन लई कोशिश कीती सी। फिर 16 तरीक नू ये वारदात दोबारा शाम नू 6 बजे हुई, जिंदे च कुलवंत सिंह ते उन्हां दे चौकी दे जिहड़े बंदे मिले हुए सी, उन्होंने साजिश रची साडे खिलाफ कि इन्हां दे ताले टुट्टन दी जदों खबर आएगी ये आणगे उन्हां नू कुट्टांगे, ते जबरदस्ती ताले तोड़ के कब्जा मनोजे ते आरती नू दिलाया जाएगा, जिहड़े कि मुख दोषी परसन ने। वीडियो विनय कुमार जिहड़ा दशरथ दा मुंडा जिहड़े होस्पिटल च एडमिट ने, उन्हां उत्ते मतलब कापे बेसबॉल लैके हथियारां नाल कोशिश की गई मारन नू, अटैम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की गई, इन्हां नू मारांगे ते डर के दोबारा दुकान खोलन की कोशिश नहीं करनगे। मैं SSP कोल भी मतलब पेश होया, तो बारे के थाने चौकी के जेडे कुलवंत सिंह जी उन्होंने भी मिलया, तो उन्होंने मेरी दरखास्त लैन तो मना कर दिता सी। फिर मैं रजिस्टर पोस्ट राही उन्होंने सदर थाने भी भेजी है, तो कुलवंत सिंह बारे के भी भेजी है, वो रिपोर्ट उत्थे पहुँच चुकी है मैनू, उत्थे मैं ऑनलाइन चैक भी कर लिया, तो उन्होंने रिसीव भी कर ली है, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, सगो कुलवंत सिंह ने मेरे तो डिमांड की 50,000 की। तो मैं उन्होंने कहा कि जो MLR कटी जा चुकी है तो फिर तुहानू खर्चा कटना चाहिए, बट वह कहता कि ऐदा कुछ नहीं हुंदा, बंदे को सानू पैसे आ चुके ने, हुण तुहानू पैसे देने पैने, बट साडे मतलब साडे खिलाफ़ कोई है ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं है। तो मैं मेरे को वीडियो सारी फुटेज मेरे को हैगी जी, मैं
प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहता ताकि मैनू प्रवे मतलब क्यों नहीं कर रही है। मैं कोशिश कर रहा सीगा कि पहला लीगल तरीके नाल पुलिस थाने तो मैं अपनी कार्रवाई के बट मैनू 12 दिन हो गए ने 16 तरीक तो बाद अज 28 तरीक हो गई है हले तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे ना मैनू कोई फोन आ रहा है मैं मैनू धमकी भरे फोन ही आ रहे हैं कि हाँ जो परचा वापस नहीं लिता तो तुहाडे खिलाफ हो सकता है जिहड़ा सिविल होस्पिटल से विनय एडमिट उन्होंने बाहर कढ़ो तो तुसी कार मतलब राजीनामा कर लो बस केस वापस ले लो। मैं मंग करदा कि जो चाचा जी मेरे दशरथ कुमार उन्होंने दुकान का जो मैटर हैगा उन्होंने दुकान वापस मतलब कराने की कोशिश की जाए तो जो मेरा कजन सिविल होस्पिटल से एडमिट है उनके बिहाफ से परचा कटिया जाए दोषी पार्टियां के खिलाफ। मेरा नाम रमेश है सन ऑफ श्री हरिकिशन मैं फिरोजपुर कैंट का रहने वाला।